फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं रिव्यू कर रही हूँ बायोटिक नेचुरल मेकअप मैजिक कॉम्पैक्ट का, जो एक स्किन लाइटनिंग एंड स्किन वाइटनिंग है। उससे पहले मैं बता दूँ कि बायोटिक ने कुछ अपने मेकअप लाइन के प्रोडक्ट अभी लॉन्च करे हैं। उनमें से एक ये नया प्रोडक्ट है जिसका आज मैं रिव्यू कर रही हूँ। और जो ये प्रोडक्ट है ये SPF 15 है, UVA और UV प्रोटेक्शन है। ये आपकी स्किन को नेचुरली निखार लाएगा, यह सब कुछ मेंशन है जैसे कि आप देख रहे हो। और इसकी पैकेजिंग पर आती हूँ, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। और ये पिंक जो बायोटिक ने अपने मैजिक केयर लाइन के प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं, सबकी पैकेजिंग एक जैसी है। पिंक सब कुछ उन्होंने पिंक करा है। इसकी आउटर पैकेजिंग भी ऐसी है और इनर पैकेजिंग भी ऐसी है। तो मैं इसमें मेंशन है कि ये आपकी स्किन पर क्या काम करने वाला है। ये कहता है कि ये आपकी स्किन को लाइटनिंग एंड वाइटनिंग का काम करेगा। एंड जो इसके अंदर मल्टी विटामिन है और मिनरल्स है, ये आपकी स्किन पर ब्राइटनिंग का काम करेंगे। और ये आपकी सन प्रोटेक्शन में भी हेल्प करेगा। ये तीन काम और करेंगे। ये आपकी स्किन को मैटे फिनिश देंगे, लाइट वेट देंगे और आपकी स्किन पर अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा। और आपने इसका यूज़ करना है जैसे आप डेली अपने कॉम्पैक्ट का यूज़ करते हो, वैसे आपने इसका यूज़ करना है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 8/2019 और आप इसे 7/22 तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसका प्राइस है 145 रुपीज़ और मेरी शेड है अंबर, यहाँ पर मेंशन है जैसे कि आप देख रहे हो अंबर 105। और मैं इसकी इनर पैकेजिंग दिखाती हूँ। ये इनर साइड में कुछ इस तरह से आया है, ये देखिए पिंक। और जो बार आउटर पैकेजिंग पर मेंशन था वही सब कुछ इस पर भी मेंशन है। और इसका नेट वेट है 8 ग्राम, सब कुछ मेंशन है। और जब मैं इसे कुछ इस तरह से ओपन होता है, जब मैं इसे ओपन करती हूँ तो इसका मिरर देखती हूँ। इसका मिरर काफ़ी अच्छा है जैसा कि आप देख रहे हो। एंड जो इसका स्पॉन्ज है ये सिंपल सा है और इस पर भी बायोटिक मेंशन है। और बेस इसका कुछ इस तरह से है, मेरी स्किन के साथ बिल्कुल मैच होता है। एंड ये कुछ इस तरह से पाउडरी सा है। और जब मैं इसे अपनी स्किन के ऊपर लगाती हूँ तो ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है, अच्छी तरह आपकी स्किन पर ऑब्जर्व हो जाता है। कि कॉम्पैक्ट का क्या काम होता है कि हमारी जो मेकअप है उसको सेट करना, जो भी हम फाउंडेशन लगाते हैं उसको सेट करना, उसको बस सेट करना और उसके ऊपर अच्छा अच्छा निखार लेके आना, हमारी स्किन पर नेचुरली ग्लो लेके आना। तो ये गाइस, ये आपकी स्किन के ऊपर नेचुरली ग्लो लेके आता है, इसके बारे में मैं कह सकती हूँ। ये आपकी स्किन पर लाइटनिंग एंड वाइटनिंग का जिन्होंने बोला है कि ये काम करता है, वाइटनिंग नहीं करता। वाइटनिंग मीन्स मेरा मतलब ये है कि कुछ हम ऐसे प्रोडक्ट बाय करते हैं जो हमारी स्किन पर बिल्कुल अलग अलग वाइट से दिखाई देते हैं, लेकिन वो वैसा काम नहीं करता। ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छी तरह हमारी स्किन के ऊपर ब्लेंड हो जाता है, हमारी स्किन में अच्छी तरह लग जाता है। हमें ऐसे नहीं लगता कि हमने कुछ लगाया हुआ है, मतलब कि हमारी स्किन पर अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है। और इसका वेट भी लाइट है, ब्लेंड हो जाता है तो इसका मतलब इसका वेट लाइट है। ये हमारी स्किन पर भारीपन नहीं दिखाई देता, ये ऐसे ईजिली ब्लेंड हो जाता है। और काफ़ी अच्छा है 145 के प्राइस में। और इसकी फ्रेगरेंस, तो मुझे इसकी फ्रेगरेंस और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनसे काफ़ी अच्छी लगी है। और इनकी एक ये बात है कि इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं किए हुए, बट ये बायोटिक कंपनी है जो एक हर्बल प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है, तो इन्होंने बोला है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है और पैराबिन फ्री है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, हम कंपनी पे विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये एक हर्बल प्रोडक्ट बनाती है। और 145 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और इसको मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इसे स्पॉन्ज से मत लगाना और इसको आप अपने ब्रश से यूज़ करना। और ये अगर आप ब्रश से अच्छी तरह यूज़ करोगे तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो गाइस, ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।